शेख ने 659 कैदियों की रिहाई की दी अनुमति, कर पाएंगे जिंदगी की नई शुरुआत। दुबई के राजकुमार महामहिम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने रमजान के पहले दुबई की जेल में बंद 659 कैदियों की रिहाई की अनुमति दे दी है। दुबई के अटॉर्नी जनरल एसएम ईसा अल हुमैदन ने मीडिया के हवाले से बताया है कि महामहिम का फैसला ये दर्शाता है कि वो चाहते हैं रमजान के दौरान सभी कैदी अपने परिवार के पास रहे। इसके अलावा वो जिंदगी की नई शुरुआत भी कर पाएंगे। दुबई लोक अभियोजन और दुबई पुलिस ने साथ मिलकर इन सभी नियमों के लिए काम किया है ताकि दुबई के महामहिम के निर्देशों का पालन हो सके। सोशल मीडिया पर इस खबर के बाद लोग लगातार रिएक्शंस देते दिखाई दे रहे हैं। एक यूजर लिखते हैं, रमजान से पहले दुबई के प्रेसिडेंट की तरफ से कैदियों के लिए सबसे बड़ा तोहफा है, महामहिम अल्लाह आपको सलामत रखे। तो वहीं एक और यूजर ने लिखा, इतना खूबसूरत दिल होने के लिए आपको और आपके परिवार वालों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी क्या राय है इस खबर को देखने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि देश विदेश से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।